हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं सीमा डेमन मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत आप अपनी जन्म तिथि से कैसे अपनी राशि को आइडेंटिफाई कर सकते हैं वह बताऊंगी। जन्म तिथि से अपनी राशि को आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान है दोस्तों। आप यदि व्यक्ति का प्रॉपर टाइम नहीं पता है तो उसका जन्म पत्रिका का विवेचन नहीं हो सकता है, तो फिर उस स्थिति में वह राशि कैसे आइडेंटिफाई करे। तो वह अपने जन्म तिथि से भी अपनी राशि आइडेंटिफाई कर सकता है और उसके अकॉर्डिंग, राशि के अकॉर्डिंग वह अपना फ्यूचर जान सकता है कि उसके फ्यूचर में किस तरीके का उसका फ्यूचर रहेगा और उसे क्या से उपाय करने चाहिए, कौन से भगवान की पूजा व आराधना करनी चाहिए दोस्तों। तो चलिए आइए जानते हैं दोस्तों, जन्म तिथि से हम कैसे पता लगाएं कि हमारी राशि कौन सी है। जिन व्यक्तियों का जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के मध्य होता है वह सभी जातक मेष राशि के अंतर्गत आते हैं। ये एक महीने का टाइम पीरियड होता है दोस्तों, तो इसके अकॉर्डिंग ही राशि आइडेंटिफाई की जाती है, क्योंकि गोचर में ग्रहों की स्थिति अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग रहती है। इसलिए जिस व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ 21 मार्च से 20 अप्रैल के मध्य होगा तो उस समय सूर्य की स्थिति कौन सी राशि में होगी उसके अकॉर्डिंग ही राशि को आइडेंटिफाई किया जाता है, तो उसकी राशि मेष राशि कहलाएगी। ये राशि चक्र के पहले नंबर की राशि होती है दोस्तों। इसी तरीके से जिस व्यक्ति का 21 अप्रैल से 21 मई के मध्य जन्म हुआ है, यहां मैं टाइम की बात नहीं कर रही हूं, खाली जन्म तिथि से आपकी राशि कैसे पता लगा सकते हैं उस बारे में मैं बात कर रही हूं। तो जिन व्यक्तियों का 21 अप्रैल से 21 मई के मध्य जन्म होता है वह सभी जातक वृषभ राशि के अंतर्गत आते हैं। इसी तरीके से 22 मई से 21 जून के मध्य जन्मे जातक सभी मिथुन राशि के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, और 22 जून से 22 जुलाई तक जन्मे जातक सभी कर्क राशि के अंतर्गत आते हैं। ये राशि चक्र के चौथे नंबर की राशि होती है दोस्तों। इसी तरीके से 23 जुलाई से 21 अगस्त तक ये सभी जातक सिंह राशि के अंतर्गत आते हैं। ये राशि चक्र के पांचवें नंबर की राशि होती है। 22 अगस्त से 23 सितंबर से जन्मे जातक सभी कन्या राशि के अंतर्गत आते हैं। उनकी राशि हमेशा कन्या राशि ही होगी जिनका डेट ऑफ बर्थ 22 अगस्त से 23 सितंबर के मध्य हुआ है। इसी तरीके से जिन जातकों का जन्म 24 सितंबर से 23 अक्टूबर के मध्य हुआ है वे सभी जातक तुला राशि के अंतर्गत आते हैं, और जो व्यक्ति 24 अक्टूबर से 22 नवंबर के मध्य जिनका जन्म हुआ है वे सभी जातक वृश्चिक राशि के अंतर्गत आते हैं। इसी तरीके से 23 नवंबर से 22 दिसंबर के मध्य जन्मे जातक सभी धनु राशि के अंतर्गत आते हैं, यानी कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ 23 नवंबर, 24 नवंबर, 25 नवंबर, 26 नवंबर, ऐसे करके 22 दिसंबर के मध्य मध्य जो भी जातक आएंगे वे सभी धनु राशि के अंतर्गत आएंगे। उनकी राशि हमेशा धनु राशि ही होगी दोस्तों। इसी तरीके से 23 दिसंबर से 20 जनवरी के जन्मे जातक मकर राशि के अंतर्गत आते हैं, और 21 जनवरी से 19 फरवरी के मध्य जन्मे जातक सभी कुंभ राशि के अंतर्गत आते हैं, और 20 फरवरी से 20 मार्च तक जन्मे जातक सभी मीन राशि के अंतर्गत आते हैं। ये राशि चक्र के आखिरी नंबर की राशि होती है, जो कि 12वें नंबर की राशि होती है, जिसे मीन राशि कहता है, कहलाई जाती है। ये सभी जातक मीन राशि के अंतर्गत आते हैं जिनका 21 फरवरी डेट ऑफ बर्थ होगा या 22 फरवरी डेट ऑफ बर्थ होगा या 20 मार्च के अंतर उनका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, तो वे सभी मीन राशि के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। यह राशि जो मैंने आपको बताई है वह सनशाइन राशि है, यानी कि सूर्य की स्थिति को देखकर यह राशि निकाली जाती है दोस्तों। मूनशाइन राशि निकालने के लिए आपको अपना प्रॉपर टाइम पीरियड पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि चंद्रमा 2.5 दिन में ही अपनी स्थिति को चेंज कर लेता है, तो इसके लिए टाइम होना बहुत अधिक आवश्यकता है, तो फिर आप जन्म पत्रिका के अनुसार राशि जान सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको चंद्र राशि के बारे में बता चुकी हूँ कि आप जन्म पत्रिका से कैसे एक सेकंड में अपनी राशि आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन जिनका डेट ऑफ बर्थ का टाइम नहीं है तो वे सनशाइन राशि के अकॉर्डिंग भी अपना फ्यूचर जान सकते हैं दोस्तों। सनशाइन सूर्य के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि गोचर में सूर्य की स्थिति कौन सी राशि के अंतर्गत होती है उसके अकॉर्डिंग ही उसकी व्यक्ति की जातक की राशि पता लगा सकते हैं दोस्तों। सूर्य एक महीने में एक चक्कर अपना लगाता है, यानी कि एक महीने में अपनी स्थिति को चेंज कर लेता है। वह किसी भी राशि में
एक महीने से ज़्यादा का समय नहीं लेता है स्थिति परिवर्तन करने के लिए, इसलिए मैंने आपको एक एक महीने के गैप में आपकी राशि को बताया। इसे सनशाइन राशि कहते हैं, यानी कि लग्न राशि कहते हैं। जन्म पत्रिका के अंतर्गत दोनों ही राशियों का अपना अपना रोल होता है जो कि इम्पोर्टेंट होता है। चंद्र राशि नाम के प्रथम अक्षर के लिए देखी जाती है। यदि आपका जातक का नाम प्रॉपर जन्म पत्रिका के अनुसार रखा गया है तो आप अपनी चंद्र राशि भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वह आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी कि आपकी चंद्र राशि किस तरीके से आप नाम के प्रथम अक्षर से जान सकते हैं। ये सनशाइन राशि है, आपकी जन्म तिथि से आप अपनी ये राशि जान सकते हैं। दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताइए, और दूसरों के साथ भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। और यदि आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा अपलोड करी नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच पाए। और आपके जीवन में यदि कोई भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब अवश्य दूंगी दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।